नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2024 का ऑफिसियल सिलेबस क्या रहेगा। प्रीवियस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और नोटिफिकेशन के साथ साथ हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताएंगे जहां पर आपको हर चीज़, हर सिलेबस, हर वैकेंसी का अपडेट सबसे पहले मिल जाती है। तो आप वेबसाइट के बारे में जान लीजिए और उसी पर मैंने जो नोटिफिकेशन का सिलेबस था सब कुछ वहाँ पर अपलोड कर दिया। नोटिफिकेशन मैं टेलीग्राम पर दे चुका हूँ, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आपको गूगल पर सिंपली इस प्रकार सर्च करना है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे sstopnews.in, ऐसा जैसे आप सर्च करते हो, सर्च करने के बाद आपको पहली वेबसाइट आ जाएगी जो इस प्रकार आपको दिखेगी। इसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप इस वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। यहां आने के बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, आप इनको ज्वाइन कर लेना। यहां पर अपडेट सबसे पहले मिल जाती है। हालांकि आपको अगर सिलेबस का देखोगे तो फर्स्ट टाइम पे मिल जाएगा, लेकिन क्या होता है कभी कभार और भी नई पोस्ट आ जाती है तो ये लेटेस्ट में नहीं मिलेगा। आपको सिंपली इस 3 लाइन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिलेबस का मैंने कॉलम बना रखा है, ठीक है। सिलेबस के कॉलम पर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने आरआरबी का सिलेबस यहाँ पर दिख जाएगा। देखो यहाँ पर आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर का सिलेबस है, एमपी पीजीसीएल की जो वैकेंसी है उसका सिलेबस है, डीएसएसबी का सिलेबस है, यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर का सिलेबस भी यहाँ पर है। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख जाएगी। डीएसएसबी नर्सिंग ऑफिसर का सिलेबस भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप देखोगे, इस पर जैसे ही क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने पोस्ट ओपन हो जाएगी। तो इसमें सिलेबस के रिगार्डिंग पैटर्न क्या है सब कुछ यहाँ पर दिख जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप टाइम ख़राब नहीं करना चाहते तो आप खुद वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करना जिनको सिलेबस की टेंशन थी कि क्या आने वाला है, क्या नहीं आने वाला। जो जेएनए वाले हैं उनके पास जरूर शेयर करना, क्योंकि बिना एक्सपीरियंस ये वैकेंसी रहने वाली है। वैकेंसी कब आएगी इसके बारे में थोड़ी सी अपडेट आपको दे दूंगा। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न 2024। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबसे पहले अथॉरिटी के बारे में आपको देखने को मिल जाएगा। पोस्ट का नाम है नर्सिंग ऑफिसर। नंबर ऑफ पोस्ट लगभग 1000 से 1200 के आसपास पोस्ट आएगी, क्योंकि देखो दोस्तों इतनी खाली है, ज़्यादा आ सकती, चुनावी साल है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन ईएसआईसी में 5000 खाली होते हुए भी वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1930 पोस्ट है, इस वजह से मैं 1000 के अराउंड इसको मानकर चल रहा हूँ। एज लिमिट की बात करें तो 20 से 40 साल के बीच में एज लिमिट रहेगी। जुलाई सेप्टेम्बर 2024 में इसमें फॉर्म स्टार्ट होंगे, जुलाई से सेप्टेम्बर के बीच में फॉर्म स्टार्ट होंगे, क्योंकि रेलवे में एक अपना कैलेंडर आता है जिसमें इन्होंने बता रखा है। तो दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बीएससी नर्सिंग और जीएनए वालों, जीएनए वालों से कोई भी एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं मांगा गया, इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखें, क्योंकि बहुत सभी वैकेंसीज में जीएनए वालों से एक्सपीरियंस मांगा जाता है, लेकिन आरआरबी में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाता। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो एग्जाम पैटर्न की बात यहाँ पर जो कर रहे हैं, आपका सीबीटी बेस्ड आपका एग्जाम होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट रहने वाला है। 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन एक नंबर का होने वाला है। और अगर बात करें तो 90 मिनट का आपका टोटल पेपर आएगा, यानी कि 1.5 घंटा आपका पेपर होने वाला है। और 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कि 3 क्वेश्चन अगर आप गलत कर देते हो तो 1 क्वेश्चन आपका डिलीट हो जाएगा, मतलब 1 क्वेश्चन के नंबर पूरे कट जाएंगे, ठीक है। तो 100 नंबर का पेपर होगा, 100 क्वेश्चन आपके रहेंगे और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अब सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, किस प्रकार इनको रखा गया है, तो यहाँ पर अगर आप ये टेबल देख रहे होंगे, इस टेबल में हमने सारी चीज़ मेंशन कर दी ताकि आपको ढूंढना ना पड़े इधर उधर। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सब्जेक्ट नेम, मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स। अगर प्रोफेशनल सब एबिलिटी, यानी कि प्रोफेशनल एबिलिटी का मतलब होता है नर्सिंग, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की बात, क्योंकि पैरामेडिकल की नाम से वैकेंसी जाती है, तो इसमें नर्सिंग अपना इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दिखाऊंगा, टेलीग्राम पर भेज चुका हूँ। 70 क्वेश्चन आएंगे, 70 मार्क्स के होंगे। जनरल साइंस के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स के होंगे। जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन आएंगे और 10 मार्क्स होंगे। ध्यान रखना, जनरल साइंस के अलग आएंगे और जनरल अवेयरनेस के अलग क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिक और जनरल रीजनिंग, यानी कि इसमें मैथ आएगी और रीजनिंग आएगी, दोनों को मिला के 10 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क्स होंगे। टोटल इस प्रकार आपका 100 क्वेश्चन का पेपर हो जाता है और 100 मार्क्स का आपका रहने वाला है। अब हम 1 बाय 1 सिलेबस देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस में जनरल अर्थमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी कि मैथ और रीजनिंग की बात करता हूँ। 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसका टॉपिक काफ़ी ज़्यादा है, अनलिमिटेड टॉपिक है मैथ रीजनिंग के, तो इसके बारे में आप सब देख सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर दे रखी है, तो आप इसकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो, प्रिंट आउट
पर क्लिक कर, ठीक है। एनालॉजीज ये तो एनालॉजीज, पहले सबसे पहले मैंने इसमें 8-10 टॉपिक जो भी रहे हैं वो रीजनिंग के रखे हैं, फिर नीचे इसमें कैलकुलेशन यानी कि मैथ वगैरह के सारे टॉपिक आ जाते हैं, एलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप सिस्टम, ये सारे क्वेश्चन हैं, सारे टॉपिक हैं। ये टॉपिक आपको थोड़ा थोड़ा देख लेना है बेसिक, क्योंकि 5-5 क्वेश्चन आएंगे दोनों के, रीजनिंग के 5, मैथ के 5। बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट रहता है जहाँ पे फ्री के नंबर आप सभी को मिलते हैं, वो है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस में क्या होता है, जनरल साइंस में 10 क्वेश्चन आएंगे तीनों सब्जेक्टों से, 5 क्वेश्चन आपके बायोलॉजी से आएंगे अकेले से, और जो 5 क्वेश्चन बच जाते हैं उनमें से 2 क्वेश्चन फिजिक्स से, और या नहीं 3 क्वेश्चन फिजिक्स से या 3 क्वेश्चन केमिस्ट्री से, किसी दो तीन क्वेश्चन का रेशियो में रहता है और डिपेंड करता है आपके शिफ्ट के ऊपर। तो दोस्तों ये भी मैंने बता दिया। इसके अलावा आपको इसके प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, उनकी प्रिंट आउट चाहिए, तो उनकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर दूंगा, उस पहले मैं इस वेबसाइट पर अपलोड कर दूंगा, आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो एमसीक्यू जो अवेयरनेस के आएंगे 10 एमसीक्यू आने वाले हैं, जिसमें ज़्यादा फोकस करा जाएगा करंट अफेयर पे, 2-3 क्वेश्चन करंट अफेयर के, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, फिलहाल इलेक्स चुनावी साल है तो हो सकता है पॉलिटिक्स से एक आध क्वेश्चन उठा ले, स्पोर्ट्स से आएंगे और जनरल साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन यहाँ पर बनने वाले, तो आप भी सोच सकते हो क्या बनाएगा बनाने वाला भी। नेक्स्ट बात करते हैं जो अपना सबसे इंपॉर्टेंट है नर्सिंग ऑफिसर के लिए, मतलब नर्सिंग सब्जेक्ट्स, वो है 70 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं, 70 एमसीक्यू आएंगे। इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से रहेंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सोशियोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एडल्ट इंक्लूडिंग जियाट्रिक्स, और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च स्टैटिक्स और मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन। 4-4 क्वेश्चन इन दोनों के आएंगे भाई, 4-4 क्वेश्चन इन दोनों सब्जेक्ट से आने वाले, इस बात का आप स्पेशली ध्यान रखिए। अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर वगैरह देखना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर आप RRB के लिए आप एलिजिबल हो या नहीं हो क्लिक करके आप देख सकते हो। कंप्लीट चीज़ें एक्सप्लेन कर रखी है दूसरे पेज पर, ठीक है, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हो। बाकी अब अपन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता देता हूँ आपको, जो लास्ट ईयर 2019 की वैकेंसी थी RRB नर्सिंग ऑफिसर या पैरामेडिकल रिक्रूटमेंट जो निकली थी, रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल कैटेगरीज, तो इसमें अपनी वैकेंसी भी थी स्टाफ नर्स की। तो यहाँ पर 1109 पोस्ट आई थी लास्ट टाइम 2019 में। इसके लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड का ध्यान रखना होता है, C1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है। कलर ब्लाइंडनेस अगर आप में है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। 44,900 रुपये आपका बेसिक पे रहेगा, लेवल 7 की वैकेंसी रहने वाली है। अब सीधा अपन सिलेबस और एग्जाम पैटर्न पर पहुँच जाते हैं इस पेज में सर्च करते हुए। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, वेबसाइट को भी विजिट करा करें, वहाँ पर हम जो भी वैकेंसी जो भी एग्जाम अब तक हो चुके सभी के सिलेबस अपलोड कर चुके, जिनके फॉर्म आए सबके, जिनके भी बाकी उनके भी मैं 1-2 दिन में अपलोड करवा दूंगा वहाँ पे, ठीक है। और बिल्कुल सिलेबस में कोई नहीं है कि बहुत सारी जगह क्या होता है कि सभी वैकेंसीज के लिए सेम सिलेबस उठा के कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं जो भी करता हूँ पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर वगैरह एनालिसिस करता हूँ, नोटिफिकेशन वगैरह एनालिसिस करता हूँ, उसके बाद सारी चीज़ें यहाँ पर अपलोड करता हूँ। अगर यहाँ पर देखोगे आप प्रोफेशनली एबिलिटी यानी कि आपका जो सिलेबस है जो टॉपिक है जिसके लिए आप तैयारी करो इसका फॉर्म डाला है उसके अकॉर्डिंग 70 क्वेश्चन आएंगे। मैं चीज़ बता चुका हूँ आपको, 10 क्वेश्चन टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पूरी की पूरी चीज़ यहाँ से वहाँ पर कॉपी करी है नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, ताकि आपको वेबसाइट पर ईजी तरीके से मिल जाए। नोटिफिकेशन डिलीट भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, आप वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। अब इसी नोटिफिकेशन में मैं देख लो आपके सामने चल रहा हूं, इसी में नीचे इन्होंने दे रखा है कि सिलेबस क्या रहने वाला है, ठीक है। सिलेबस के बारे में अपन देख लेते हैं, तो सिलेबस क्या रहने वाला है, तो दोस्तों चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना और शेयर जरूर करना उनके पास जो सिलेबस का इंतजार कर रहे थे, जिनको सिलेबस पता नहीं था। अब सिलेबस आपके सामने है, अब आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। डाइटेशियन सॉरी ये 02/2019 की थी, और यहां पर स्टाफ नर्स की यहां पर देख सकते हो, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री, नर्सिंग फाउंडेशन, साइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इसके अलावा सोशियो फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग, नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिक्स, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग सर्विस एंड एजुकेशन। तो ये जो टॉपिक है ये नर्सिंग के यही टॉपिक रहेंगे। सबसे अच्छी बात है बताऊँ, जो रेलवे हुआ, DSSB हुआ, इनमें जिन्होंने जो इन्होंने टॉपिक दे दिया उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, ये अपना पैटर्न बदल देते हैं, लेकिन क्वेश्चंस की क्वांटिटी नहीं बदलते कि इस टॉपिक से इतने उठाएं तो उसी से उतने उठाएंगे। नोटशीट की तरह नहीं है कि कभी MSN को प्रायोरिटी दे रहे तो कभी OBG को, कभी साइकेट्री को, कभी PDIA को, तो ऐसे कुछ नहीं होता इसमें इक्वल जो चलता आ रहा है पुराना पेपर पैटर्न उसी के आधार पर आपका आगे चलता रहता है।
तो दोस्तों YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, साथ ही साथ आप वेबसाइट को जरूर जाकर सर्च करना, और भी सारी अपडेट आपको वेबसाइट पर मिलती रहती है आप ही के लिए, आपकी सुविधा के लिए, ताकि आप वीडियो में अगर टाइम खराब होता है तो आप सीधा यहाँ जाकर विजिट कर देख सकते हो कि कोई वैकेंसी आई या नहीं है। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो नर्सिंग जॉब्स पर, तो जितनी भी नई वैकेंसी आती है सभी यहाँ पर अपडेट मिलती है, नर्सिंग ही नर्सिंग वाली यहाँ पर अपडेट मिलेगी। उत्तराखंड नर्सिंग ऑफिसर की जो परसेंटेज पर आपकी वैकेंसी रहेगी, परसेंटेज बेस पर उसका नोटिफिकेशन आ रखा है, DSSB ANM का आ रखा है। इसके अलावा यहाँ पर NHM बिलासपुर की तरफ से CHO ANM की वैकेंसी आ रखी है, MPPGCLA उत्तर मध्य प्रदेश की तरफ से स्टाफ नर्स की वैकेंसी है, NHM गुजरात की तरफ से वैकेंसी है, तो सारी अपडेट आप यहाँ पर मिल जाती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों, टेक केयर।